नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। नए साल में एएनएम की संविदा पर ही होगी बहाली। कोरोना के माहौल को ध्यान में रखते हुए जल्द ही स्वास्थ्य विभाग नए एएनएम की भर्ती करने वाला है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके बाद जल्द ही 865 एएनएम की संविदा पर तैनाती का काम किया जाएगा। कोरोना माहौल के बीच पिछले 9 महीने में नियोजन की प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो इन पदों के लिए आवश्यक कंप्यूटर टेस्ट की परीक्षा ली जा चुकी है। इनमें सफल रहने वाले सभी अभ्यर्थियों को जल्द ही नियोजन पत्र सौंपने का काम किया जाएगा। संविदा पर नियोजन होने के कारण एएनएम के पदों पर अभ्यर्थियों की तैनाती राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर से ही की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों को दिया नए साल का तोहफा। कोरोना के माहौल में रेलवे के पहिए पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया था, वहीं अब फिर से ट्रेन के पहिए दोबारा से खुलने लगे हैं, जिसके बाद रेलवे ने यात्रियों को नए साल का तोहफा पहले ही दे दिया है, जिसके तहत छपरा जंक्शन से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 4 जनवरी से होने लगेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन से 05105, 05106 छपरा, 9 तनवा छपरा 4 जनवरी से हर सोमवार से लेकर शनिवार तक चलाया जाएगा। सिर्फ रविवार को ही इन ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मोइनक सेनगुप्ता और अविनाश राय की। मोइनक सेनगुप्ता का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में आज ही के दिन साल 1973 में हुआ था। मोइनक सेनगुप्ता एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर है। उन्होंने 1995 से 2003 के बीच बंगाल के लिए 6 प्रथम मैच भी खेला है। वहीं अविनाश रॉय खन्ना भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है। वो जम्मू कश्मीर और राजस्थान के भाजपा प्रभारी भी हैं। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया और भारत के 14वीं लोकसभा के सदस्य भी थे। बिहार शेल्टर होम की 30 लड़कियां लेंगी होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। समाज कल्याण विभाग ने शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा और ट्रेनिंग करवाने का काम शुरू किया है, जिसकी शुरुआत बीते दिन से हो चुकी है। इस योजना के तहत कुल मिलाकर 14 लड़कियों को बैंगलोर स्थित यूरेडियन अकेडमी में होटल मैनेजमेंट की शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। वहीं 30 और लड़कियों को नए साल में भेजने की तैयारी भी की गई है, ताकि लड़कियां बाहरी दुनिया को देख सके और खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। नेपाल सीमा से सटे बिहार के अररिया गलगलिया फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य होगा जल्द। बिहार में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले अररिया गलगलिया फोरलेन सड़क की निविदा जारी हो गई है। निविदा के निपटारे के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कोशिश है कि मार्च के पहले इसका काम शुरू करवा दिया जाए। पिछले दिनों एनएचएआई की भू अर्जन समिति ने इस सड़क के निर्माण पर अपनी सहमति दी थी। 94 किलोमीटर लंबे इस सड़क निर्माण पर 1546 करोड़ खर्च होंगे। एनएचएआई के रिपोर्ट के अनुसार सड़क का निर्माण 2 पैकेज में होगा। पहले पैकेज में गलगलिया से बहादुरगंज के बीच सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, जो 49 किलोमीटर लंबी होगी। इसके निर्माण में सिविल लागत 199 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि इस परियोजना पर कुल मिलाकर 766 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। बिहार में 30 आईएएस और आईपीएस की हुई प्रोन्नति। राज्य सरकार ने बीते दिन बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस की प्रोन्नति की है, जिसके तहत 11 आईएएस और 19 आईपीएस ऑफिसर को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। एडीजी शोभा अहोतकर को डीजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही विकास वैभव समेत 3 आईपीएस अफसरों को आईजी रैंक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी पूरी सूची गृह विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी अब अगले महीने। जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 10 जनवरी को पार्टी कार्यालय में आयोजित करवाई जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के भी रहने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद अब राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन करवाया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार यह बैठक कई मायनों से काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें कुल मिलाकर 300 सदस्यों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो राज्य कार्यकारिणी में बदलाव भी किए जा सकते हैं, साथ ही प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार के नए शहरीकरण निकायों के गठन को कैबिनेट में मिली मंजूरी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसमें से अहम शहरी निकायों के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद आने वाले साल में बिहार शहरीकरण की दिशा में एक मिसाल कायम करने वाला है, जिसके तहत राज्य के करीब 150 नए बाजार को गुलजार करने का काम किया जाएगा, जो बिहार में विकास की रफ्तार को नई गति भी देगा। राज्य कैबिनेट में नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें जमीनी आकार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन नए शहरों का असर सीधे तौर पर बिहार की सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर दिखेगा। बिहार में 31 जनवरी तक केंद्र की गाइडलाइन को जारी रखने का जारी किया गया आदेश कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र की तरफ से कई सारे दिशा निर्देश को जारी किया गया था, जिसका पालन बिहार में अब 31 जनवरी तक किया जाएगा। इसको लेकर गृह विभाग ने मंगलवार को ही अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 28 दिसंबर को ही आदेश जारी कर दिया गया था, जिसके तहत केंद्र की तरफ से 25 नवंबर को ही जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के आदेश के बाद ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने केंद्र के ही दिशा निर्देश को राज्य में लागू करने का आदेश जारी किया है। श्याम रजक ने नीतीश सरकार गिरने की कही बात। इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू विधायक के बाहर जाने के बाद भाजपा और जदयू के बीच की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जदयू के विधायक भाजपा की कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं और यही कारण है कि बिहार की एनडीए सरकार को गिराने की मंशा से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वर्तमान समय में 17 जदयू विधायक राजद के संपर्क में है और वो जल्द ही राजद में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके जरिए राजद के संपर्क में हैं और वो जल्द ही लालू प्रसाद की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन दल बदल कानून को देखते हुए और विधायकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बहुत जल्द ही वो संख्या पूरी हो जाएगी। 31 जनवरी से डीजल से चलने वाले ऑटो के परिचालन पर लगेगा रोक। पटना नगर निगम क्षेत्र में अब 31 जनवरी से तो वहीं पूरे राज्य में 31 मार्च से डीजल चलित ऑटो का परिचालन बंद होने वाला है। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं सरकार के इस आदेश से राज्य में 1,85,000 डीजल चालित ऑटो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि राज्य में डीजल चालित ऑटो में सीएनजी किट ही नहीं आई है, तो किट लगेंगे कैसे। राज्य में अभी सिर्फ पेट्रोल चालित ऑटो में सीएनजी किट लगाई जा रही है। ऑटो चालकों ने इस बाबत कहा है कि नए ऑटो में सीएनजी किट लगकर आ रहे हैं। पटना में 8 सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन है, इनमें से कई स्टेशनों का लेकिन बुरा हाल है। सुशील मोदी ने किसानों के मसीहा बन रहे विपक्ष के राजभवन मार्च को बताया विफल। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बीते दिन वामपंथी दल समर्थित अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किसानों के राजभवन मार्च को विफल करार कर दिया है। मोदी ने इस बाबत कहा है कि किसानों ने एक महीने में दूसरी बार लगातार विपक्ष को उसकी जगह दिखाने का काम किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के किसान एनडीए सरकार के काम से संतुष्ट है, इसीलिए कृषि कानून के विरुद्ध भारत बंद और राजभवन मार्च जैसे हथकंडों को बिहार में विफल करार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि सोफे लगाकर ट्रैक्टर पर बैठने वाले मुरेठा बांध लेने से हर कोई किसान नहीं हो जाता है। शहनाज गिल के डायलॉग पर थिड़के शिखर धवन। बिग बॉस से निकली शहनाज गिल ने शो में रहने के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थी, वहीं अब उनके एक डायलॉग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। त्वाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता डायलॉग। अब शिखर धवन ने भी अपना डांस वीडियो इस पर शेयर किया है। शिखर धवन इस वीडियो में अपने दो डॉगी के साथ डांस करते देखे जा सकते हैं। बिग बॉस फेम शहनाज गिल के एक डायलॉग पर यशराज मुखाटे ने यह गाना तैयार किया था। अब इस गाने पर शिखर धवन ने डांस परफॉर्मेंस दी है। उनके इस वीडियो को खुद शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है और लाफिंग इमोजी पोस्ट किया है। विराट कोहली की कप्तानी पर उठ रहे सवाल पर दीप दास गुप्ता ने दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार वापसी की और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी है। नियमित कप्तान विराट कोहली की अनुपस्थिति में टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे अजिंक्य रहाणे की तारीफ सभी कर रहे हैं, वहीं विराट को भी खूब बुरा भला कहा गया है, जिसके बाद अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीपदास गुप्ता ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अजिंक्य रहाणे से जीत का क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन अभी सिर्फ एक मैच ही हुआ है। अश्विन और बुमराह भी इस जीत में उभर कर सामने आए हैं। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोहली ने भी कोई खराब कप्तानी नहीं की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच भाजपा और जदयू के बीच बढ़ रही खींचतान का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।